झारखंड में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के साथ राजनीतिक हलचल कुछ दिनों से तेज है। केंद्रीय एजेंसी की रडार पर अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी दफ्तर बुलाया है। मुख्यमंत्री के समन के साथ ही राज्य का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 तारीख को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में बुलावा आया है तो उस दिन भी झामुमो के हजारों कार्यकर्ता विभिन्न जिलों से रांची के मोराबादी मैदान में जुटेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम के बारे में अभी तक झामुमो की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो मौजूदा जानकारी है उसके मुताबिक तमाम कार्यकर्ताओं को जिला कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वह रांची के मोराबादी मैदान में 17 तारीख को जुटेंगे। जुटान की खबर आते ही झारखंड में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सरकार भीड़ दिखाकर ईडी को डरा नहीं सकती। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वह ईडी दफ्तर क्यों नहीं जाते, यह सब बवाल क्यों राज्य में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का आरोप लगा है। अब तक इस मामले में उन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि को भी बर्खास्त नहीं किया है। नीति काम नहीं करने वाली। आपको याद होगा कि जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव नामित हुए तो उन्होंने भी इसी तरह से सीबीआई और अन्य संस्थाओं के खिलाफ भीड़ जुटाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री की और उनके जो सहयोगी दल हैं, जनता का दबाव बनाने की बजाय मैं समझता हूं कि उनको ईडी ने जब बुलाया है जाकर वहां अपने ओर से जो पक्ष रखना है उनको रखना चाहिए, और अगर कोई गलत नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कि हम भीड़ तंत्र के माध्यम से निर्णय को प्रभावित करेंगे बिल्कुल सरासर गलत है, और ईडी और सीबीआई किसी दबाव में नहीं आने जा रहे। अगर आपने गलत किया है तो गलत का सजा अंततः वो परिणाम भी बुरा होगा, इसलिए मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, शालीनता के साथ जाएं, कानून का सम्मान करें और सारी चीज़ों का वो अपनी ओर से जवाब देने की कोशिश करें। जब एक बार बड़ा आदमी जो होता है ऊंचे पद पर बैठा हुआ अगर कानून का सम्मान करता है तो नीचे भी उसका मैसेज अच्छा जाता है। अरे ये सब लोग समझते हैं, और जहाँ तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी तंग कर रही है तो मुख्यमंत्री ने जो किया क्या वो उचित था या अनुचित था, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का स्पष्ट करना चाहिए। पंकज मिश्रा ने जो लूट मचाई संथाल परगना क्षेत्र में, ईडी ने तो चार्जशीट दाखिल किया 1000 करोड़ रुपए का, और उनके यहाँ से बरामदगी भी हुई 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि, तो क्या ये कुछ बिल्कुल मनगढ़ंत है, या फिर पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के, उनको अब तक क्यों नहीं हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी यह सवाल जानना चाहती है। वहीं भाजपा के बयान के बाद सत्ता की सहयोगी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर यूपीए की सरकार है उसे अस्थिर करने में लगी है। कभी उसके नेता तो कभी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और पूछताछ के लिए बुलाकर परेशान कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पाए, जब वो मुकाबला नहीं कर पाए तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का सहारा लेकर के विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना, उन्हें कमज़ोर करना शुरू कर दिया। ये पूरे देश में आपने देखा होगा, उसी तरह से झारखंड में यहाँ की सरकार को, सरकार के लोगों को, सरकार के मुखिया को ये परेशान करना चाहते हैं, और परेशान करके ये चाहते ये हैं कि यहाँ की सरकार को गिरा दें। ये जब से यहाँ पर सरकार बनी है तब से ये लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रयास में विफल रहे हैं और इस बार भी ये विफल रहेंगे, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब ये ज़मीनी तौर पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं तो अब ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं, तो इससे होना जाना क्या है। 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में जो पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो ये भी क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके आएंगे? ये तो उनका प्यार है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ की जनता का, कि वो उनके पक्ष में उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े रहते हैं, तो वो आएंगे। ये तो इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, देख ले। अब तो ये कहीं ज़मीन पे है ही नहीं ना,
और इनका कहीं पे कोई संगठन है ही नहीं, तो अब इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को ही इन्होंने हटकंडा अपनाया है और उसी से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ये लोग काम करवा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इससे पहले भी 3 नवंबर को ईडी दफ्तर में सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस दिन वह ईडी दफ्तर नहीं गए थे। मुख्यमंत्री आवास से एक ईडी दफ्तर को पत्र भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि उनका पूर्व से 15 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित है, इसे देखते हुए उन्हें 3 सप्ताह का समय दे दिया जाए, लेकिन ईडी की ओर से 12 दिनों का समय दिया गया। पिछली बार भी जब सीएम ईडी दफ्तर में बुलावा आया था तो 2 से 3 हजार से अधिक झामुमो कार्यकर्ता मोराबादी मैदान में जुटे थे और उसके बाद सीएम हाउस पहुंचे हैं। इस बार भी 17 तारीख को रांची में कार्यकर्ता जुटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।